आज हम लोग BTC सेकंड सेमेस्टर से उस तर्जन यानी इस रिसर्च के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हम लोगों के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जिनके कारण कुछ जो पदार्थ होते हैं उनमें कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में पाए जाते हैं, जो कि वो कह सकते हैं कैटालिसिस यानी उपापचयी क्रियाएं करते हैं, जिनके बाद उनमें हमारे अंदर जो कुछ आवश्यकता होती है पदार्थों को हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद जो पदार्थ बच जाते हैं अपशिष्ट के रूप में उनको हम बाहर निकाल देते हैं, तो उन्हीं को उत्सर्जन कह सकते हैं, या दूसरी भाषा में आप लोगों को कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत पदार्थ यानी जो हम लोग भोजन करते हैं उसके बाद जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो सभी जीवधारियों में, चाहे वो हम लोग हों या पेड़ पौधे हों, सब में उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत जो पदार्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, यूरिक एसिड या इत्यादि जो होते हैं जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं, यानी उनके अंतर्गत जो पाए जाते हैं ये हानिकारक रूप यानी उसमें अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, उत्सर्जी अंग के रूप में पाए जाते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, और वो हानिकारक होते हैं जीवधारियों के लिए। उसके बाद कहा जाता है कि इन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की यानी जो शरीर पाया जाता है शरीर या जीवधारियों का शरीर जो पाया जा रहा है उससे बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को उत्सर्जन कहती है। ठीक, यहाँ तक यानी उत्सर्जन की डिफिनेशन होगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं उत्सर्जन के, कह सकते हैं पौधों में उत्सर्जन कैसे होते हैं, यानी कि कह सकते हैं इक्रीशन ऑफ प्लांट यानी पौधों में उत्सर्जन, पौधों में उत्सर्जन, उत्सर्जन के बारे में यानी पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो पौधों में उत्सर्जन यानी दो तरीके से, यानी कह सकते हैं पहला कह सकते हैं स्टोमेटा यानी कह सकते हैं ली यानी पत्तियों के द्वारा, जैसे आप देखते होंगे कि पौधे पाए जा रहे हैं यानी कोई भी पौधा पाया जा रहा है, पौधा पाया जा रहा है और इनमें पत्तियां पाई जा रही हैं। अब इन पत्तियों में यानी इन पत्तियां जो होती हैं इनमें स्टोमेटा यानी जो लीफ होता है यानी लीफ, इन लीफ में इनमें स्टोमेटा पाया जाता है यानी लीफ के अंतर्गत इसी में अंदर इसके स्टोमेटा पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है जिसके द्वारा कह सकते हैं कि जो इनमें अपशिष्ट पदार्थ यानी जो जल पाए जाते हैं वो पौधों से बाहर निकलते हैं, यानी कह सकते हैं उनमें जो फूड मटेरियल होते हैं उनको जाग कर लेते हैं, उसके बाद जो उनमें अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उनको वो बाहर निकाल देते हैं, तो उन्हीं यानी वो कह सकते हैं उत्सर्जन कहलाते हैं। तो वो इस तरीके से यानी पहला जो कह सकते हैं लीफ के द्वारा यानी इनमें स्टोमेटा जो होता है स्टोमेटा के द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है, और उसके बाद इसमें जो कह सकते हैं स्टोमेटा के द्वारा ये कह सकते हैं पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन यानी दिन और रात के समय इनमें उत्सर्जन होता रहता है, लेकिन ये दिन के समय जो होते हैं वो ऑक्सीजन यानी कह सकते हैं ऑक्सीजन को ये बाहर निकालते हैं, और उसके बाद रात के समय यानी इसको कह सकते हैं दिन के समय में ये ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं और रात के समय में, रात में कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, निकालते हैं यानी स्टोमेटा यानी पत्तियां या पौधों में उत्सर्जन जो होता है वो पत्तियों के द्वारा है, पत्तियों में जो स्टोमेटा पाया जाता है उनमें कह सकते हैं उनके द्वारा स्टोमेटा यानी कि छिद्र जो होते हैं रंध्र जिसे कहते हैं उनके द्वारा यानी उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी अंदर और बाहर होते रहते हैं वो कह सकते हैं उत्सर्जन कहलाते हैं। तो ये हो गया लीफ के द्वारा। अब उसके बाद आगे बात करते हैं हम कह सकते हैं स्टेम, स्टेम, स्टेम यानी इसे कह सकते हैं तना यानी उसमें जो ओल्ड यानी जो भी पौधे पाए जा रहे हैं, अब इसमें कह सकते हैं जो पौधे पाए जा रहे हैं इनमें पौधों में कह सकते हैं जो ओल्ड पुराने यानी जो ये पुराने प्लांट होते हो जाते हैं तने, इन तनों में छोटे छोटे इसमें वात रंध्र पाए जाते हैं यानी लेंटिकुलर, लेंटिकुलर, लेंटिकुलर पाए जाते हैं यानी जिसे कह सकते हैं वात रंध्र, वात रंध्र,
वातरंध, जिनके द्वारा कह सकते हैं इसमें मसूरा कार, जिसे कह सकते हैं लेंटिकुलर यानी वातरंध, या इसे कह सकते हैं मसूरा कार यानी दाने के आकार, एकदम कह सकते हैं मसूर के दाने के आकार के होते हैं, इसी कारण से मसूरा कार भी बोलती है, जिनके द्वारा कह सकते हैं इनमें छिद्र होते हैं और इनसे द्वारा भी जो अपशिष्ट पदार्थ इसमें पाए जाते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। तो इस कारण से कहा गया स्टेम यानी ओल्ड स्टेम, ओल्ड यानी पुराने जो तने होते हैं उनसे कह सकते हैं जो पाए जाते हैं उसमें लेंटिकुलर, लेंटिकुलर यानी रंध कह सकते हैं वातरंध जो पाए जाते हैं, वातरंध जो पाए जाते हैं वो कह सकते हैं उनके द्वारा भी जैसे कि जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ थे उनका बाहर निकलते रहते हैं, तो उनको भी हम कह सकते हैं उत्सर्जन कहते हैं यानी उत्सर्जन हो रहा है। तो ये आपके पौधों में होता है यानी लीफ द्वारा और स्टेम यानी तनों द्वारा उसमें कह सकते हैं उत्सर्जन होता है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें कह सकते हैं संवेदनशीलता यानी पौधों में जो संवेदनशीलता पाई जाती है यानी सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता। अब उसके बारे में कह सकते हैं कि जो भी होते हैं सभी जीवधारियों में चेतना होती है, कह सकते हैं समस्त जीवधारी जो होते हैं उनमें चेतना पाई जाती है यानी देख सकते हैं समस्त जीवधारियों में चेतना होती है जिसके द्वारा वो वातावरण में होने वाली घटना को जान लेते हैं और उन्हीं को हम संवेदनशीलता कहते हैं। यानी समस्त जीवधारी कह सकते हैं कि जो भी कह सकते हैं जितने भी जीवधारी या कह सकते हैं जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं सभी में चेतना होती है जिसके द्वारा वो वातावरण में होने वाली घटना यानी घटना कह सकते हैं यानी वातावरण में जो भी जैसे कि मान सकते हैं घटना कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और अचानक हम लोगों के सामने शेर आ जाए या कह सकते हैं सांप आ जाए तो हम लोग डर से भागने लगते हैं, तो हम लोगों के अंदर जो डर आई यानी जो उसके अंदर देख के हम लोगों के अंदर भय उत्पन्न हुआ उसी को चेतना या कह सकते हैं संवेदनशीलता कहती है यानी उसके कारण हम लोग कह सकते हैं पीछे हट जाते हैं और भागने लगते हैं तो वो संवेदनशीलता। इसी तरीके से अगर खेत में हम लोग देखते हैं केंचुआ यानी केंचुआ जो पाया जाता है केंचुआ पाए जाते हैं अगर इनको हम टच करते हैं यानी छूते हैं तो ये भी कह सकते हैं थोड़ा सिकुड़ जाते हैं। उसी तरीके से अन्य जो भी पाए जाते हैं गिलहरी देखे होंगे आप लोग गिलहरी जो होते हैं बरसात जैसे मौसम बदलता है मौसम के अनुसार वो भी कह सकते हैं अपनी पूंछ जो होती है अपने ऊपर कर लेते हैं और जो उनके जो बाल पाए जाते हैं वो बिखेर लेते हैं और उनसे वो तापमान कह सकते हैं तापमान को मेंटेन रखते हैं जिसके कारण उनको ठंडक नहीं लगती। तो इस तरीके से जो कह सकते हैं संवेदन जो कह सकते हैं चेतना उत्पन्न होती है वो उनको हम संवेदनशीलता कहते हैं। तो इसी तरीके से पौधों में भी कह सकते हैं संवेदनशीलता होती है। तो ये तो जीवाणु का तो पौधों में किस तरीके से होती है जैसे कि आप लोग एक वैज्ञानिक का नाम सुने होंगे आप लोग डॉक्टर जगदीप जेसी बोस, यानी इनका पूरा नाम था डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस यानी ये कह सकते हैं बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल वेस्ट बंगाल के थे, वेस्ट बंगाल के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसके बारे में यानी संवेदनशीलता के बारे में बताया था। इन्होंने एक पौधा यानी जिसका नाम था छुई मुई, छुई मुई पौधा या इसी को पौधे को हम बोलते हैं लाजवंती, लाजवंती यानी ये पौधा जो होता था यानी जो पौधा पाया जा रहा था इस तरीके से पाया जा रहा है। तो इन पौधों में जो पत्तियां पाई जा रही हैं इनको अगर हम टच करते हैं तो ये सिकुड़ जाती हैं यानी कह सकते हैं अंदर की तरफ ये हो जाती हैं यानी छोटी हो जाती हैं पत्तियां। उसके बाद जैसे ही हम लोग हाथ हटाते हैं उसके बाद ये पत्तियां पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती हैं। तो इस अवस्था को देखकर यानी जेसी बोस यानी जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इस अवस्था को इस तरीके से अध्ययन किया और देखा कि ये पत्तियों में इस तरीके से होता है। तो इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो भी जीव सभी जीवधारी होते हैं या कह सकते हैं सभी पेड़ पौधे होते हैं उनमें संवेदनशीलता होती है यानी वो जो वातावरण में पाई जा रही हैं घटनाएं यानी चेतना उसके द्वारा ये कह सकते हैं चेतना उसमें जान लेते हैं और जिसके कारण वो मुरझा जाती हैं उसके बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाती है। तो ये जगदीश चंद्र
पोस्ट ने बताया था वो भी छुई हुई पौधों पे या लाजवंती के पौधों पे। उसके बाद इन्होंने बताया था एक कह सकते हैं इसकी कह सकते हैं इसको मापने के लिए एक मशीन का यूज किया था, यानी जो मशीन का प्रयोग किया था उन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसको सेरियोग्राफी बोलते हैं। सेरियोग्राफी यानी वो मशीन ऐसी थी जिसके द्वारा इनमें होने वाली संवेदनशीलता को वो देखा जा सकता है, उनमें मूव यानी जो गत हो रही है और कह सकते हैं इसमें ग्रोथ जो हो रहा है और कह सकते हैं इसके अंतर्गत जो कह सकते हैं अन्य क्रियाएं हो रही है उनको मापा जा सकता है या देखा जा सकता है। और इसके द्वारा कह सकते हैं एक लाख बड़ा करके इसको देखा जा सकता है, यानी इस मशीन के द्वारा 1 लाख बड़ा करके इसको देखा जा सकता है। तो ये कह सकते हैं हमारे प्लांट यानी कह सकते हैं पौधों में होने वाले उत्सर्जन और कह सकते हैं संवेदनशीलता के बारे में था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे आगे।